नवंबर का महीना भले ही शुरू हो गया हो लेकिन ठंड का मौसम है, मगर कांग्रेस उम्मीदवार रामनगर वार्ड की बात करें परमानंद शर्मा के, कार्यकर्ताओं में इतनी गर्मी है कि उन्होंने कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रखा है। परमानंद शर्मा जी, आज कहाँ का आप दौरा कर रहे हैं? हम ईस्ट रामनगर का दौरा है हमारा, रामनगर का जी, और हमें भारी बहुमत मिला हुआ है, हमारे साथ क्षेत्र की जनता हमारे साथ दे रही है और मुझे विश्वास है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग मंडोली रोड का कितना हमारे साथ चल रहा है? पूरा व्यापारी वर्ग दुखी है जी, लोग दूसरी पार्टियों से परेशान हैं और अब की बार वो कह रहे हैं कि हमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं अब की बार गलतियां नहीं होंगी। कांग्रेस के साथ चलने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा व्यापारी वर्ग हमारे साथ तैयार है। उनका ये कहना कि हमारे साथ धोखा हुआ है, पार्किंग के नाम पे पैसा तो ले लिया नगर निगम ने लेकिन पार्किंग के नाम कन्वर्जन चार्ज इतना लिया गया है कि लोग अगर देखें तो ये बोल दिया गया कि हम आपको सबको पार्किंग बनवाएंगे, हम ये देंगे वो देंगे, आज तक कुछ कोई सुविधा नहीं है और इकट्ठा कन्वर्जन चार्ज लिया हो पूरी लाइफ के लिए लेकिन काम एक पैसे का नहीं होगा। पार्किंग की छोड़ो, नाली गली खरंजे सड़कें कोई आज तक रिपेयर तक नहीं हुई, पैच तक नहीं लगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग अब समझ रहे हैं और परिवर्तन ही प्रगति का मार्ग है, लोग यही कह रहे हैं मुझसे। क्या कहना चाहेंगे परमानंद जी के लिए? परमानंद जी चुनाव जीत रहे हैं, बड़ी बड़ी बड़े बहुमत से, बड़े बहुमत से। कहीं जनता धोखा तो नहीं देगी? नहीं नहीं, कोई जनता धोखा नहीं देगी, पिछली बार धोखा हो गया, पछता रही है जनता। कार्यकर्ता एकजुट है? कार्यकर्ता सब एकजुट है। अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे परमानंद जी के लिए? मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। पिछली बार कुछ मार्जिन से रह गए थे लेकिन इस बार ये पूरी मजबूती के साथ, सक्रियता के साथ सब कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति बेहद नाराजगी है जी। उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था जी। उन्होंने जनरल सीट पर किसी दूसरे कैंडिडेट को उतारा जी। तो इससे जो है पूरा जातीय समीकरण और सारा चुनाव का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। और भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात, में खुले रूप से कह रहा हूँ, बड़ी भारी भीतरघात चल रही है और सब लोग परमानंद शर्मा को समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है समीकरणों के तहत और कांग्रेस का राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उससे जनाधार बढ़ा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि परमानंद शर्मा चुनाव जीतेंगे क्योंकि पिछले 5 साल ये चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच सक्रिय रहे और वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में आएगा और ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो वो गुस्से में और कांग्रेस के साथ खड़ा है इस समय? व्यापारी वर्ग दोनों के साथ गुस्से में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और आम आदमी पार्टी के साथ भी। तो व्यापारी वर्ग के लिए परमानंद जी ने भी आवाज़ उठाई, मंडोली रोड की जितनी एसोसिएशन है उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर काम किया, तो निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग सिर्फ रामनगर का नहीं पूरी दिल्ली का व्यापारी वर्ग कांग्रेस के साथ इस बार आपको दिखाई देगा।